सर्दियों के दिन थे और बाहर काफी ज्यादा ठंड थी। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को चैट करके पूछा, तुम कहाँ पर बैठ कर चैट कर रहे हो? लड़के ने आगे से जवाब दिया, अपने कमरे में रजाई में बैठ कर। लड़की बोली, ओह मैं तो सर्दी से जम गई हूँ, तो क्या तुम्हारी रजाई में सिग्नल आते हैं? लड़का बोला, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि अपना टावर जो खड़ा है। एक 60 साल के बाबा ने अपनी पहली बीवी के होते हुए एक 25 साल खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। जब माशी हालात काफी खराब हुए तो बाबा के पास कोई चारा न रहा कि एक को तलाक दे। बहुत सोचने के बाद बाबा जी ने सोचा, आखिर किसको तलाक दो? तो इसके लिए बाबा जी ने एक इम्तिहान लेने का फैसला किया। बाबा जी ने अपनी दोनों बीवियों को 20-20 हजार रुपए दिए और इन्हें एक महीने के लिए आजमाने लगा। एक महीने के बाद बाबा जी ने देखा कि इनकी पहली बीवी ने एक महीने में अपना गुजारा करके 10 हजार रुपए बचा भी लिए हैं, जबकि दूसरी जवान बीवी ने ना सिर्फ 20 के 20 हजार खर्च कर दिए हैं, बल्कि ऊपर से 10 हजार रुपए का कर्जा भी चढ़ा लिया है। इस बार पर बाबा जी ने फैसला किया कि इनकी पहली बीवी बहुत ही सलीका मांग और कपायशाह है, वो किसी न किसी तरह अपना गुजारा चला ही लेगी, मगर बेचारी नौजवान बीवी इसके बगैर भूखी मर जाएगी। इसलिए उसने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। शाम का टाइम था और एक आदमी अपने घर में बर्तन धो रहा था कि तभी उनके हमसाये की एक औरत उनके घर आई और उसको आदमी को बर्तन धोते हुए देखकर हंसी और कहा, हमारे भी बर्तन धो दिया करो और बताओ इसके बदले क्या लोगे? ये सुनकर आदमी बोला, अब बाप से भी क्या सौदा करना, जो बीवी देती है वो ही दे दिया करना। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें। एक बाप जब भी अपने बच्चे से कहता कि तुम्हारी शादी करनी है तो बच्चा आगे से कहता, मुझे अपने पांव पर खड़ा तो हो लेने दो। एक दिन बाप ने उस बच्चे से कहा, अरे यूरोप में तो 15 साल का बच्चा अपने पांव पर खड़ा हो जाता है। ये सुनकर बेटा बोला, पापा जी पाकिस्तान में तो 1 साल का बच्चा ना सिर्फ खड़ा हो जाता है बल्कि वो चलना भी शुरू हो जाता है। छुट्टी का दिन था और एक घर का मालिक अपनी बीवी के साथ किचन में था कि तभी बीवी बोली, जब मैं काम कर रही हूँ तो इतना रोमांटिक मत हुआ करो। ये सुनकर पास से उनकी नौकरानी बोली, मैडम जी मैं खुद साहब की सरकस से बहुत तंग हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें। एक मोटी सी बीवी ने अपने शोहर से तैयार श्यार होकर पूछा, बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ? शोहर ने ये देखकर कहा, दिल करता है तुम्हें बॉर्डर पार पहन दो। ये सुनकर बीवी बोली, हाय हाय सीधा क्यों नहीं बोलते कि आज मैं भम लग रही हूँ। शादी के बाद पहली दफा जब नया जोड़ा सैर के लिए गया तो वो ट्रेन पर सवार हुआ। जब रात को ट्रेन की लाइट्स बंद हुई तो दुल्हन ने दूल्हे से कहा, ऊंची आओ मेरे ऊपर चढ़ जाओ। दुल्हन बोला, अरे यहाँ नहीं, या तुमने सामने वो बोर्ड लिखा नहीं पढ़ा? दुल्हन बोली, नहीं मैंने नहीं पढ़ा, बताए क्या लिखा हुआ है? दुल्हन बोला, लिखा है चलती ट्रेन में चढ़ना मना है। एक आदमी की नई नई शादी हुई, अगले दिन उसकी बीवी सो रही थी कि उसने उसके ऊपर पानी डाल दिया। बीवी गुस्से से उठ गई और बोली, ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, तुम्हारे पापा ने मुझे कहा था कि मेरी बेटी कलियों की तरह है, इसको मर जाने मत देना, इसलिए मैं तुम्हें तरोताजा रख रहा हूँ। एक लड़की 10 साल बाद अपने नाराज खावन से मिलने के लिए जाती है तो लड़की की माँ उसे कंडम देती है। ये देखकर लड़की अपनी माँ को गले लगाते हुए कहती है, माँ जी अगर आपको इतनी ही फिक्र है तो आप मुझे खीरा या मूली दे दें। एक लड़का अपने मामू के यहाँ गया हुआ था, वहाँ उसी दिन उसके मामू और मामी ने अपना प्रोग्राम भी बनाया हुआ था। रात को लड़के के मामू ने जब अभी अपनी शलवार ही उतारी तो लड़के की आंख खुली और मामू का 7 इंच का रॉकेट देख लिया। लड़के का मामू फौरन बोला, सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। ये सुनकर लड़के ने कहा, मामू जी आपने तो मामी को फाड़नी है लेकिन मुझे भूत से डरा कर मेरी क्यों पड़वा रहे हो? वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें। एक अंग्रेज ने जब एक सरदार की मूंछें और रोग शोक देखा तो वो डॉक्टर के पास गया और बोला, मुझे सरदार बना दो। डॉक्टर ने कहा, इसके लिए तुम्हारा आधा दिमाग निकालना पड़ेगा। अंग्रेज ने कहा, ओके। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो डॉक्टर ने गलती से आदमी का पूरा दिमाग ही निकाल दिया। जब आदमी को होश आया तो वो बोला, वो कूचा न सवार तो रखवार। एक सरदार के ऊपर किसी जुर्म की बना पर पर्चा हो गया।
जब उसे जज के सामने पेश किया गया तो जज ने कहा तुम्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। सरदार बोला बचपन में माँ की बात सुनी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जज फिर बोला सातों में 1 लाख जुर्माना भी किया जाता है। सरदार फिर बोला बचपन में माँ की बात सुनी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आखिर जज ने पूछा अच्छा ऐसा क्या कहती थी तेरी माँ। सरदार बोला पाजी जब बात सुनी ही नहीं तो क्या बताऊं। एक धोबी ने एक गधा और कुत्ता पाल रखा था। एक दिन कुत्ते ने जब गधा सो रहा था उसके पीछे अपना एल डाल दिया। ये देखकर गधा बोला क्या कर रही हो। कुत्ता हंसने लगा बोला बस यार मजाक कर रहा। गधा बोला अले साले अगर ऐसा मजाक मैंने किया ना तो तेरी आंखें बाहर आ जा रही हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें। एक मोहल्ले का मेन गटर बंद था जिसकी वजह से सारे मोहल्ले में पानी ही पानी जमा था। अब उन्होंने एक आदमी को गटर खोलने के लिए बुलाया तो वहां पर खड़ी एक औरत बोली हाय कितना पानी, अब समझ नहीं आ रही कि ये पानी यहाँ से कैसे निकलेगा। ये सुनकर आदमी बोला अरे मैडम आप फिक्र ना करें बस डंडा डालने की जरूरत है अभी 2 मिनट में पानी निकल जाएगा, बस आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं कहीं पानी आपके मुंह पर ना पड़ जाए। एक शरारती सिख अमेरिका गया। वहां गोरी को अंडरवेयर में देखते हुए देखकर सिख को शरारत सूझी। सिख ने चुपके से जाकर गोरी के पीछे उंगली चढ़ा दी। जब सिख ने उंगली चढ़ाई तो तभी गोरी की पटाखे के साथ हवा खारिज हो गई। पटाखे की आवाज सुनकर सिख बोला अमेरिका वालों ने इतनी तरक्की कर ली है क्या पछवाड़े पर भी सिक्योरिटी लार्म लगा दिए है। एक आदमी काम पर लेट गया तो उसके बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुला लिया और पूछा कि तुम लेट क्यों आए हो, कल भी तुझे कहा था कि टाइम पर आओ, तुमने ये रूटीन ही बना ली है। ये सुनकर आदमी ने जवाब दिया सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को उसके ऑफिस काम पर छोड़ने गया था। बॉस बोला अगर कल से तुम टाइम पर ना आए तो फिर मैं नौकरी से निकाल दूंगा। ये सुनकर आदमी बोला ठीक है फिर आप कल से अपनी बेगम को खुद ही उसके ऑफिस छोड़ आया करना। क्लास में सभी लड़के बहुत शोर कर रहे थे। उनकी टीचर बोली शोर मत करो वरना मैं निकाल कर बाहर खड़ा कर दूंगी। ये सुनकर सभी बच्चे बोले मिस जी पहले मेरा पहले मेरा पहले मेरा। बारिश हो रही थी, एक आदमी तेजी से भागे हुए जा रहा था कि मौलवी ने इसे देखा तो बुलंद आवाज से कहा अरे बेवकूफ तुम खुदा की रहमत से क्यों भाग रहे हो, बारिश खुदा की रहमत होती है। आदमी ये सुनकर अपने दिल में शर्मिंदा हुआ और हंसता चलने लगा। घर पहुंचने तक वो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। अगले दिन वो आदमी अपने घर में बाहर का दरवाजा खोल कर बैठा हुआ था कि फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और उसने बाहर देखा कि अब वो मौलवी भागते हुए जा रहा है। आदमी ने बुलंद आवाज से मौलवी को आवाज दी और कहा अरे क्या कल जो मुझे बात समझाई थी वो तुम खुद भूल गए। तो मौलवी ने कहा मैं तो इसलिए तेजी से भाग रहा हूँ कहीं रहमत मेरे पांव तले रोंदी ना जाए। एक बच्चे ने अपनी माँ से जाकर पूछा माँ जी प्रेग्नेंट का क्या मतलब है। माँ बच्चे की तरह बड़े गुस्से के साथ घूरी लेकिन तभी बाहर दरवाजे पर घंटी बजी और वो दरवाजा खोलने चली गई। बच्चे ने समझा प्रेग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा करना। अगले दिन वो स्कूल जा रहा था एक बच्चे पर गिर गया। बच्चे की माँ बड़े गुस्से के साथ बच्चे को देखने लगी। बच्चे ने कहा गिरा मैं इस पर हूँ और प्रेग्नेंट तुम हो रही हो।